ओके ठीक है, तो न्यूरोलॉजी के सेमिनार में फर्स्ट टाइम कौन कौन लोग आए हैं? हाँ नमस्कार दिनेश जी, नमस्कार। नमस्कार मैम, गुड इवनिंग। मैं पहली बार हूँ। अच्छा आप लोग पहली बार? क्या मैडम, बहुत अच्छा लगा। पहली बार है मैम, मैं भी पहली बार हूँ। काफी लोग पहले, फर्स्ट टाइम मैडम। मैं पहली बार हूँ। सुरेंद्र जैन उदयपुर। ओके ओके ग्रेट ग्रेट, ठीक है। अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो बिल्कुल भी न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं जानते? मैं नहीं जानता। आप? अच्छा ओके। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार। हाँ मैम, मैं भी नहीं जानती बिल्कुल, मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम, ठीक है ओके। तो काफी लोग हैं जो न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं जानते। ओके ठीक है, तो आज का हमारा जो वेबिनार है वो है पर्टिकुलरली मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे, ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले, सबसे पहले तो हम उस ईश्वर परम परमात्मा, ठीक है, उसका आभार व्यक्त करते हैं, उनको स्मरण करके, भगवान को याद करके, ठीक है, इसका शुभारंभ करते हैं, ठीक है। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वेबिनार में। आप लोगों ने इसको ज्वाइन किया, काफी कुछ आप लोग जानेंगे सीखेंगे, ठीक है। और आप लोगों की जो भी जिज्ञासाएं हैं न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी को लेके, उसके बारे में भी हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। तो अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, मेरा परिचय दे देती हूँ, ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार क्या म्यूट कर देती हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड से क्या काफी लोगों का नॉइस आता है। हाँ जिनके हैंड रेज है वो डाउन कर ले, मैं जब क्वेश्चन पूछूंगी ना फिर आप लोग हैंड रेज कर सकते, ठीक। आज का जो वेबिनार है, ठीक है, ये फलित ज्योतिष रिसर्च संस्थान, ठीक है, जो कि मैं और राहुल महेश्वरी सर, ठीक है, हम लोग मिलकर चलाते हैं इसको। और सभी का बहुत बहुत आभार, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे की मदद से ही हम किसी भी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अकेले किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं होता, राइट। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अगर मेरे बारे में बात करूँ तो मेरा नाम मधु बाला चावला है और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। वैसे अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैंने, हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग सबको मिलेगा, आप लोग ग्रुप में हैं तो ग्रुप में रिकॉर्डिंग डाल दिया जाएगा, ठीक है, सो डोंट वरी। तो मैं अगर अपने बैकग्राउंड की बात करूँ तो वैसे मैं प्रोफेशनली अपना बिजनेस रन करती हूँ, मैंने एजुकेशन में MBA किया है, ठीक है, उसके अलावा मैंने चाइल्ड प्रोटेक्शन पे भी स्टडी किया है, बहुत सारे और भी चीज़ों पर स्टडी किया है। और अगर मैं ऑकल साइंसेस की बात करूँ तो मैंने अपना ऑकल साइंस का करियर 2001 से स्टार्ट किया और रेकी से, हीलिंग से स्टार्ट किया था। और अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूँ तो न्यूमरोलॉजी बचपन से ही कहीं ना कहीं मेरे फादर की बहुत रुचि रही है, वो न्यूमरोलॉजी जानते थे, उन्होंने मेरा नाम भी इनफैक्ट न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रखा। तो बचपन से ही ऑकल साइंस, अध्यात्म, ज्योतिष बहुत इंटरेस्ट रहा, तो बचपन से ही इस विद्या को मैं पढ़ती आ रही हूँ, ठीक है। और आप सब लोगों का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है कि आप लोगों के समक्ष अपना जो भी मेरा अल्प ज्ञान है आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, ठीक है। मैं कभी भी ये नहीं कह सकती कि मैं परफेक्ट हूँ, ठीक है, हर इंसान की पूरी लाइफ निकल जाती है किसी भी विद्या को जानने में, समझने में और नॉलेज गेन करने में। तो मेरा जो भी अल्प ज्ञान है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, ठीक है। तो ये था मेरे बारे में। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं या फिर बात करना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर, या कुछ आपकी जिज्ञासाएं हैं तो उसको पहले बात करते हैं, फिर मैं आगे इसको स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो जो लोग बात करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी और फिर हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। हाँ जी रश्मि जी, हाँ जी रश्मि जी अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम मैम। हाँ प्रणाम। मैं रश्मि हीरानंदानी मुंबई से हूँ मैम। मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्यूरियोसिटी काफी दिन से है, क्योंकि अभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी चलन में काफी चल रहा है, तो एग्जैक्टली ये है क्या और इसका किससे रिलेटेड रहता है, बर्थ डेट से रिलेटेड रहता है या
कुछ अपने नंबर से रिलेटेड रहता है, यानी बहुत एक्साइटेड थी मैंने जब सुना आपका कोर्स आ रहा है, तो आपका नाम भी सुना था मैंने काफी जिन्होंने रेफर किया, तो वही एक था कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी कितना इफेक्ट करता है अपने लाइफ में। ठीक है बिल्कुल ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। हाँ और बताएं, और किसकी क्या जिज्ञासा है, क्योंकि आप लोग जो बताएंगे ना अकॉर्डिंगली फिर मैं आप लोगों को आंसर कर पाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की जो जिज्ञासाएं हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी को लेके, ठीक है, न्यूमरोलॉजी को लेके, उसके बारे में ही मैं जवाब दूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पर हमें नहीं पता होता कि किससे बात करें, किससे पूछे, क्योंकि आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं, अपना पर्सनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अपनी स्किल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक मार्गदर्शन चाहिए होता है कि हम करें या नहीं करें, करेंगे तो क्या, नहीं करेंगे तो क्या, इसका क्या रोल है, ये सब बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी। ठीक है, यस मिस्टर सागर। यू नॉट ऑडिबल मिस्टर सागर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपना माइक चेक करें, तब तक मैं किसी और से बात कर लेती हूँ। हाँ जी, ओम गन गन पते नमः। हाँ जी प्लीज बोले। गुड इवनिंग मैम, आई एम निधि। मैम एक्चुअली मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सुन रखा है, एक आध मैंने वेबिनार अटेंड करे हुए हैं, तो ये कहते हैं कि जो हमारा डीओवी होता है, जैसे मेरा 16 ऑफ बोर्न है, 16 फेब, तो वो बोलते हैं कि वो हमारा लकी नंबर होता है, तो इज इट ट्रू? ठीक है मैं बताऊंगी आपको, है ना, बताऊंगी। एक्चुअली क्या है मैम, मेरे को ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, तो मुझे क्यूरियोसिटी है ये, मतलब कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी नेम में, तो अभी तो मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन एक आध मैंने वेबिनार अटेंड करे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मैं जानती हूँ, तो मतलब कि मैंने क्या है, मैंने तो पहले वेबिनार भी अटेंड नहीं किए थे, बस ऐसे ही पता था मुझे थोड़ा सा, तो मैंने क्या किया कि अपना जो मेरा मैरिज डेट है वो मैंने फिर 16 पे ही रखा, कि 16 अप्रैल, तो मैंने ये कहा कि अब मेरा क्या है 16 और 7 है, तो 7 मेरा बर्थ डेट भी हो गया, मैरिज डेट भी हो गया 7, तो मैं ये कह रही थी कि क्या ये ठीक। देखिए इसके बारे में आपको बताऊंगी अभी, ठीक है, मैंने आपका क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, मैं अभी इसका रिप्लाई करूंगी। और ये भी जानना चाहूंगी क्या रिपीट 7 ज्यादा होना ठीक है या नहीं सही है, क्योंकि मेरी मैरिज डेट भी 7 हो गई और बर्थ डेट ऑलरेडी है ही है 16। Yes, तो ये है कि पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो मुझे बस इतना पता था कि हाँ बर्थ डेट, दैट मींस कि यू आर अ लकी, मतलब कि डेट, ये इसमें कोई भी अगर आप एक्टिविटी करना चाह रहे हो तो ये है आपके लिए लकी। जी ठीक है मैं आपको बताऊं, बिल्कुल। यस मिस्टर पुनीत आहूजा जी। मैडम मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे ना अभी या मोबाइल नंबर मेरा कोई भी है, तो मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए मेरे बर्थ डेट से या मेरे डेस्टिनी नंबर से, ये बड़ा क्वेश्चन है। कुछ लोग कहते हैं, जैसे बोल लीजिए मेरा बर्थ डेट 8 है, तो सब कहते हैं कि मेरा टोटल आना चाहिए मोबाइल नंबर का 8, पर मेरा डेस्टिनी नंबर 1 है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल आप बहुत ज्यादा, शायद आपने जो भी सुना है बहुत ज्यादा मिसगाइडेड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है मैं क्लियर करूंगी आपको इसके बारे में। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक है हाँ, और बताएं, और बताएं, और ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज इको हो रही है। हेलो एक सेकेंड ना, मेरे शायद कुछ हेलो इको साउंड हो रहा है ना। ठीक है इको हो रही है। ये सारथी जी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी इज एंटायरली डिफरेंट। ठीक है तो हम बात करते हैं, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे रिजॉल्व। ठीक है, और पार्टिसिपेंट 100 हो चुके हैं और ये लिंक 100 का ही है, इसमें और पार्टिसिपेंट नहीं आ पाएंगे। ठीक है,
तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आप में से किसी ने दो लिंक से ज्वाइन किया है ना तो प्लीज आप एक ही लिंक से ज्वाइन करें, ठीक है। हाँ, और जो लोग मेरा मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर चुके हैं या फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर चुके हैं, अगर आप चाहें तो लीव कर सकते हैं ताकि नए पार्टिसिपेंट को आने का मौका मिले, ठीक है। अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, क्योंकि लिंक क्या फुल हो चुका है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो न्यूमरोलॉजी में भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। मैं आपको जैसे बताती हूँ न्यूमरोलॉजी कितने तरह की होती है, राइट। न्यूमरोलॉजी में सबसे पहले आता है लो शुगरेड चाइनीज न्यूमरोलॉजी, ठीक है। इसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, राइट। उसके बाद में पाइथागोरस आता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा मतलब पुराने समय की चली आ रही है, पर आजकल जिसका प्रचलन है वो क्या है, लो शुगरेड, ठीक है। और उसके साथ साथ हम अपनी भारतीय संस्कृति को, भारतीय नॉलेज को तो नहीं छोड़ सकते, तो हमारी जो इंडियन न्यूमरोलॉजी है वो क्या है, वैदिक न्यूमरोलॉजी, जो वैदिक ज्योतिष पे बेस्ड है, राइट। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो है वो भी वैदिक पे ही बेस्ड है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी को हम प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी कहते हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में ना बहुत सारी चीजें होती है। अब जैसे कि आप लोगों के क्वेश्चन है कि जो मोबाइल नंबर का टोटल है क्या वो मेरी डेट ऑफ बर्थ वाला ही होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। क्योंकि मोबाइल न्यूमरोलॉजी को हम एज ए रेमेडी यूज करते हैं, ठीक है। हम जब पैदा होते हैं बहुत सारे नंबर्स हमारी डेट ऑफ बर्थ में होते हैं, ठीक है, और कुछ नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग होते हैं, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग सबको मिल जाएगी, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है, सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। आप जिन जिन ग्रुप्स में हैं सब में रिकॉर्डिंग आ जाएगी, है ना। तो नंबर्स, कुछ नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग होते हैं, उनको हम एज ए रेमेडी यूज करते हैं मोबाइल नंबर में, ठीक है, और अपने नेम करेक्शन में, अपने सिग्नेचर में, अपने बहुत सारी जगह हम नंबरों को यूज करते हैं। अब कौन सा नंबर हमारे लिए लकी है, कौन सा अनलकी है, ये भी हम पर्टिकुलरली डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखते हैं। जरूरी नहीं कि एक नंबर अगर किसी एक व्यक्ति के लिए लकी है तो वो दूसरे के लिए भी हो, ये बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। तो आपके लकी नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होते हैं, और आपको कौन से नंबर की ब्लेसिंग लेनी है, कौन से नंबर की ब्लेसिंग नहीं लेनी, ये भी आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही डिसाइड होता है, ठीक है। तो अगर हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात करें तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। कई लोग सिर्फ मोबाइल नंबर का टोटल देख लेते हैं, ठीक है, कि मोबाइल नंबर का टोटल क्या लेना है, हो गई मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नहीं, ठीक है, वो सिर्फ 20% पार्ट है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, अपना ड्राइवर नंबर होता है, अपना कंडक्टर नंबर होता है, ठीक है, और बाकी जो नंबर होते हैं उनको हम कैलेंडर नंबर कहते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक बस है, ठीक है, एक बस में एक ड्राइवर है, एक कंडक्टर है, और बाकी के जो लोग हैं वो क्या है, पैसेंजर है, ठीक है। ड्राइवर कंडक्टर तो जरूरी है गाड़ी को चलाने के लिए, बट पैसेंजर नहीं होंगे तो क्या गाड़ी चलेगी क्या, या फिर कोई पैसेंजर ऐसा आ गया जो उग्रवादी है, ठीक है, टेररिस्ट है, आतंकवादी है, वो पूरी बस को खराब करके रख देगा। तो आप पैसेंजर का चुनाव कैसे करते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर का टोटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ड्राइवर कंडक्टर भी इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो नंबर आपने लिए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, उन नंबरों के कॉम्बिनेशंस क्या बन रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक ऐसी न्यूमरोलॉजी है आजकल के टाइम में जो मैं मानती हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले के टाइम में हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं होते थे, ठीक है, हम लोग मोबाइल को यूज नहीं करते थे, तो उनकी वाइब्रेशंस हमारे साथ में इतनी ज्यादा कनेक्टेड नहीं थी। मोबाइल नंबर ही नहीं है तो उसकी वाइब्रेशंस कैसी होंगी, ठीक है। अभी हम 24/7 अगर हमारे साथ में कोई चीज है तो वो है मोबाइल नंबर। हर चीज की एक एनर्जी होती है, हर चीज की एक वाइब्रेशन होती है ना। तो वो जो एनर्जी है, वो जो वाइब्रेशन है, वो हमें मोबाइल नंबर के माध्यम से मिल रही है और हमारी लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है। मैं इसको इनडायरेक्टली भी नहीं कहूंगी,
क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है मोबाइल नंबर के साथ में. अब जैसे हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मोबाइल नंबर लेते हैं, कई लोग बोलते हैं कि मैडम कितना टाइम लगता है इस नए नंबर को एक्टिवेट होने में. मैं कहती हूँ पहली कॉल पे नया नंबर एक्टिवेट होता है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है. और ये सिर्फ एक मोबाइल नंबर के साथ में नहीं, बहुत सारे मोबाइल नंबर के साथ में. मैंने जब जब अपने मोबाइल नंबर चेंज किए हैं, मेरे को उसका रिजल्ट इमीडिएट मिला है. ट्रस्ट मी, अभी मैंने 4-5 दिन पहले ही एक मोबाइल नंबर लिया और खतरनाक रिजल्ट आया उसका, ठीक है. और ये रिजल्ट मैंने महसूस नहीं किया, मेरे साथ के कुछ लोगों ने भी महसूस किया, ठीक है. तो मोबाइल नंबर का इतना ज्यादा इम्पैक्ट है, ये मैं लिख के दे सकती हूँ, रिटर्न में दे सकती हूँ. ये मेरा इतना एक्सपीरियंस है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, ठीक है. तो मोबाइल नंबर में कौन से अंक ले रहे हो, उनके क्या योग बन रहे हैं, हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है. आपका मोबाइल नंबर आपकी डेस्टिनी को रंक से राजा और राजा से रंक बना सकता है. आपकी लाइफ कितनी स्मूथ चलेगी, कितना स्ट्रगल रहेगा, क्या योग एक्टिवेट करना है, वो आप मोबाइल नंबर से करते हो और कर सकते हो. मोबाइल नंबर आजकल के टाइम में बहुत पावरफुल है. अभी बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, जिनको अपनी जन्म तिथि ही नहीं पता, उनके बारे में आप मोबाइल नंबर से बता सकते हो, ठीक है. मोबाइल नंबर से आप उनके बारे में बता सकते हो, और आप मोबाइल नंबर से रेमेडीज भी करवा सकते हो. मोबाइल नंबर में इतना कुछ होता है ना, आप सोच भी नहीं सकते. मोबाइल नंबर के कौन से वॉलपेपर, कौन से स्क्रीन सेवर, मोबाइल नंबर का क्या कलर, ठीक है, और मोबाइल नंबर के डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड्स, स्क्रीन लॉक, बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है. क्योंकि हम 24/7 मोबाइल नंबर के साथ में अटैच है, तो मोबाइल नंबर की जो वाइब्रेशंस है वो हमारे साथ में 24/7 कनेक्टेड है, राइट, ठीक है. तो अभी जैसे एक मैम ने पूछा अभी कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 16 तारीख है, ठीक है, मेरे को लगा कि वही मेरा लकी नंबर है और मैंने उसी नंबर पे शादी भी कर ली, ठीक है. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब आप पैदा हुए हो वही आपका लकी नंबर है. मुझे भी ऐसा लगता था, ठीक है, मेरा जो मूलांक भाग्यांक है दोनों 9 है, मुझे लगता था 9 ही मेरा लकी नंबर है. मैं कोई गाड़ी लेती, व्हीकल लेती, मैं 9 नंबर लेती, ठीक है. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो नंबर तो आपके पास ऑलरेडी है ना, उसको और बार बार लेने की जरूरत क्या है, ठीक है. आपके पास जो चीज ऑलरेडी है उसकी और ब्लेसिंग लेके क्या करोगे, राइट. तो मल्टीपल नंबर अपने आप में इज नॉट गुड, ठीक है. आपकी अब जैसे मैम का क्वेश्चन है कि मेरा जो 7 नंबर है मल्टीपल हो रहे हैं, ठीक है, तो 7 नंबर का मल्टीपल होना इज नॉट गुड, ठीक है. ये आपके रिलेशनशिप को खराब करेगा, ठीक है, ये आपके रिलेशनशिप को, आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा. और सिर्फ 7 नंबर ही नहीं, बहुत सारे जो मल्टीपल नंबर्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ नंबर हमें दशा से, अंतरदशा से, पर्सनल ईयर से, प्रत्यंतर दशा से ब्लेसिंग मिलती रहती है, ठीक है. तो अननेसेसरी हमें बहुत सारे नंबर को मल्टीपल नहीं करना होता. तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में हम ये भी देखते हैं कि मल्टीपल में कौन से नंबर अच्छे हैं, कौन से नंबर अच्छे नहीं है, किसको लेना है, किसको अवॉइड करना है, किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ में आएगा, ठीक है. और बहुत बार ऐसा होता है कि हम मोबाइल नंबर किसी भी हालत में चेंज कर ही नहीं सकते, राइट. आजकल हर इंसान मोबाइल से कनेक्टेड है, ठीक है, वो नंबर सारी दुनिया के पास है. हमें टेंशन हो जाती है कि मोबाइल नंबर कैसे चेंज करें, तो फिर हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी तो हमारे लिए है ही नहीं. उसका भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है, कि कैसे आप बिना मोबाइल नंबर चेंज किए, ठीक है, आप एनर्जी को चेंज कर सकते हो, ठीक है, या फिर कैसे आप दूसरे नंबर को एक्टिवेट कर सकते हो, तो इसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, राइट. आरती जी, 3 और 6 नंबर, फैमिली एक है, इट डजंट मैटर. 3 नंबर क्या है, जुपिटर का, देवताओं के गुरु. 6 नंबर क्या है, दानवों के गुरु, ठीक है. तो दोनों एंटी हैं, हालांकि ये मेरे मोबाइल नंबर में भी कॉम्बिनेशन है, राइट.
बट थ्री एंड सिक्स बोथ आर एंटी टू ईच अदर. तीन क्या बताता है? अध्यात्म को, अपने अंदर जाने को, है ना, अपने नॉलेज को, ज्ञान को. और छह नंबर क्या कहता है? बाहरी दुनिया, लग्जरी, वैभव, सब कुछ. तो दोनों एंटी हैं. इसको 36 का आंकड़ा भी कहते हैं, 36. इट्स नॉट गुड, है ना, एंड इट डिस्टर्ब योर रिलेशनशिप ऑल्सो. अगर आपके मोबाइल नंबर में 3 and 6 है, देन इट क्रिएट प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप, इन योर थॉट्स ऑल्सो. कभी आपको लगेगा बहुत स्पिरिचुअल हो गए, कभी आपको लगेगा बहुत ज्यादा भौतिक जीवन में हो गए. कॉन्ट्रडिक्शन चलता रहेगा. मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ठीक है, मैं आपको नंबरों के बारे में बताती हूँ, जिन लोगों को न्यूमरोलॉजी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, सो दैट आपको थोड़ा सा उनका बेसिक चीजों का पता चल जाए. तो मैं एक पीपीटी शेयर करती हूँ, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं. तो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? प्रिडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी. प्रिडिक्टिव इसलिए कि आप मोबाइल नंबर से प्रिडिक्शन कर सकते हैं. एक तो होता है कि आप सिर्फ लकी नंबर ले रहे हो, और एक होता है कि आप मोबाइल नंबर से प्रिडिक्शन भी कर रहे हो. तो हम जो न्यूमरोलॉजी सीखने वाले हैं वो क्या है? प्रिडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी. ठीक है, तो आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी से कैसे प्रिडिक्शन करोगे वो हम इसमें सीखेंगे. राइट. Why to learn cell numerology? अब मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखना जरूरी क्यों है? ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया कि 24/7 मोबाइल नंबर की वाइब्रेशंस हमें इम्पैक्ट कर रही है. ठीक है, इन नंबरों का हम पे डायरेक्टली इम्पैक्ट है. राइट, कोई भी नंबर लेते हैं वो डेफिनेटली एक्टिवेट होता है. ठीक है, प्रिडिक्शन विदाउट डेट ऑफ बर्थ. अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी से उसके डिफरेंट योग को देख के, उसकी प्रॉब्लम्स को देख के आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं. ठीक है, आपके करियर के बारे में आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी से पता चलता है. ठीक है, क्या करियर लेना है, आपका क्या इंटरेस्ट है, क्या माइंडसेट है, कौन सा योग एक्टिवेट हो रहा है, वो आप किसी भी व्यक्ति को उसके मोबाइल नंबर से बता सकते हो. और बहुत सारे नंबर हमारी लाइफ में मिसिंग होते हैं. आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करो, उसमें कुछ एक ही नंबर होंगे, कुछ नंबर मिसिंग होंगे. तो मिसिंग नंबर जो है वो हम रेमेडी के रूप में मोबाइल न्यूमरोलॉजी में देखते हैं कि इस कॉम्बिनेशन के साथ में इस नंबर को देंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा. ठीक है, किसी की नौकरी नहीं लग रही, इंटरव्यू के लिए कॉल्स ही नहीं आ रहे, ठीक है, उसके लिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी में सॉल्यूशन है. किसी की शादी नहीं हो रही, उसके लिए सॉल्यूशन है. किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, उसके लिए सॉल्यूशन है. ठीक है, किसी को धन चाहिए, पैसा चाहिए, नहीं आ रहा है, उसके लिए सॉल्यूशन है. तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक रामबाण इलाज है, मैं ये मानती हूँ. मोबाइल न्यूमरोलॉजी की जो वाइब्रेशंस होती है ना बहुत हाई होती है. मतलब और नंबर आपको इतना एक्टिवेट नहीं करेंगे, इतना इम्पैक्ट नहीं करेंगे जितना मोबाइल नंबर करता है. राइट, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट योग हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी के थ्रू इसमें एक्टिवेट कर सकते हैं. धन का योग, शादी का योग, करियर का योग, जॉब नहीं लग रही उसका योग, फॉरेन जाना है उसका योग. ठीक है, आपको कोई पर्टिकुलर बिजनेस करना है उसमें सक्सेस नहीं मिल रही उसका योग, पॉलिटिक्स में जाना है हेल्प नहीं मिल पा रही है उसका योग, बहुत सारे डिफरेंट योग. और ये सारे के सारे योग आप इसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी में सीखोगे. मोबाइल न्यूमरोलॉजी का बहुत लंबा चौड़ा कोर्स है, ये मान के चलो ये अपने आप में एक बहुत फुल फ्लेज कोर्स है. ठीक है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में 100 से भी ज्यादा योग है ना, ये तो 70 मैंने गलती से लिख दिया, 100+ योग आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी में सीखोगे. ठीक है, और मोबाइल न्यूमरोलॉजी को सीख के आप उन योग को अपने कार में,
अपने एटीएम के पासवर्ड में, अपने मोबाइल के पासवर्ड में, अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड में, हर जगह आप उनको योग एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। बट आपको सही पता होगा योग का, तो ही तो आप एक्टिवेट कर पाओगे। अगर आप इसी तरह से यूट्यूब पे मिसगाइडेड रहोगे कि उसने ये बोला उसने ये बोला, मैं आपको विद लॉजिक हर चीज बताऊंगी। आपको न्यूमरोलॉजी में ऐसी कोई चीज सीखने को नहीं मिलेगी जिसका लॉजिक नहीं होगा। हर योग के बारे में लॉजिक के साथ में बताऊंगी। आप खुद जब तक कन्विंस नहीं होगे ना, तब तक आपको मजा नहीं आएगा। आपको जब लॉजिक मिलेगा ना, तब आपको पता चलेगा वाह क्या कोर्स है, ठीक है। तो आप खुद देखोगे उस चीज को। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे सीखा है और आज बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, टीचिंग भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं बहुत अच्छे लेवल पे, इंडिया अब्रॉड बहुत सारी कंट्रीज, ठीक है। तो इन योग को एक्टिवेट करके लाइफ में हम एक सक्सेस को अचीव कर सकते, नई नई अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर सकते। अब देखो, एक से लेके 9 नंबर तक मोबाइल न्यूमरोलॉजी में या फिर न्यूमरोलॉजी में होते हैं। आप कहोगे बाकी नंबर, बाकी नंबर का क्या, 10 नंबर है, 11 नंबर है, 12 नंबर है, उसका क्या? तो हर नंबर को जब आप टोटल करते हो तो सिंगल डिजिट पे लेके आना है और 1 to 9 ही बनेगा। अगर कोई 12 तारीख है तो 12 का टोटल करेंगे, 1 + 2 = 3, तो 3 नंबर आ जाएगा। तो नंबर क्या है, 1 to 9 है, और 0 की अपनी ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो जैसे मैं अगर एक नंबर की बात करूं तो 1 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य क्या है, सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य लीडर है, सूर्य सरकार है, गवर्नमेंट है, ठीक है। सूर्य क्या है, पॉलिटिक्स का भी कारक है, ठीक है। सूर्य क्या है, टॉप मैनेजमेंट है। तो आपको एक अंक को कहाँ पे यूज करना है, आप इसके बारे में बहुत डिटेल में जानोगे। इसकी करेक्टरिस्टिक, इसकी सिग्निफिकेंस, इसके पॉजिटिव, इसके नेगेटिव, हर चीज आपको इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है, न्यूमरोलॉजी। और इन नंबरों के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ते। उसके बाद आता है 2 नंबर। 2 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा को, मून को, पानी को, लिक्विड को, ठीक है। 2 नंबर इमोशंस को भी बताता है। ऐसे लोग बहुत भावुक होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, राइट। उसके बाद आता है नंबर 3। नंबर 3 किसका है, जुपिटर का, गुरु का, देवताओं के गुरु, ठीक है। ज्ञान, नॉलेज, एजुकेशन, क्या है, 3 नंबर। उसके बाद है नंबर 4। 4 नंबर किसका है, राहु का, है ना। राहु क्या है, बोल्ड व्यक्ति, ठीक है, डोमिनेट करने वाला, है ना, एकदम पावरफुल पर्सन हम जिसको कहते हैं। राहु हमारी सोच भी है, हमारा दिमाग भी है। ऐसे लोगों का दिमाग बहुत शातिर होता, ठीक है। 5 नंबर मरकरी का, बुध का, बुद्धि का, ज्ञान का, एजुकेशन का, कम्युनिकेशन का, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 6। नंबर 6 किसका है, वीनस का, शुक्र का। शुक्र भी गुरु है, 3 नंबर देवताओं के गुरु और 6 नंबर दानवों के गुरु, राइट। 3 नंबर बताता है अध्यात्म को, ठीक है। 6 नंबर किसको बताता है, भौतिक जीवन को। 6 नंबर पैसे को, 3 नंबर कुछ और कहता है। 3 नंबर कहता है मैं साधु आदमी बनूंगा, ठीक है, मैं रिलीजियस बनूंगा। 6 वाला क्या कहता है, मैं पैसे कमाऊंगा, मैं बार में जाऊंगा, मैं पब में जाऊंगा, मैं डिस्को में जाऊंगा। 3 नंबर कहता है मैं मंदिर जाऊंगा, मैं पूजा अर्चना करूंगा, मैं अध्यात्म पढ़ूंगा, ठीक है। तो दोनों विपरीत हैं, तो दोनों बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकते, नहीं हो सकते। 7 नंबर किसका है, केतु का। केतु क्या है, केतु हमारा दड़ है। 4 नंबर राहु क्या है, सर। राहु केतु एक ही बॉडी के 2 पार्ट है, ठीक है। केतु अध्यात्म भी है, केतु ज्ञान भी है, केतु विजडम भी है। 8 नंबर किसका है, शनि का, जिससे सारी दुनिया डरती है। शनि क्या है, धीरे धीरे चलने वाला प्लैनेट है, स्लो मूविंग प्लैनेट है, स्ट्रगल देने वाला प्लैनेट, राइट। उसके बाद आता है नंबर 9। नंबर 9 किसका है, मंगल का, मार्स का, ठीक है। अपने पैशन को भी बताता है 9 नंबर, अपने जुनून को भी बताता है। तो इस तरह से हर नंबर की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। इसमें भी कोई नंबर किसी का एंटी है, कोई किसी का फ्रेंड है, कोई किसी का न्यूट्रल है, कोई किसी के लिए अच्छा है, कोई किसी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सब हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी में देखेंगे कि किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ में होना चाहिए, किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ में
नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये प्रिडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया कि मोबाइल नंबर का चुनाव कैसे करना है, आपको उसके लिए अपना ड्राइवर भी देखना है, अपना कंडक्टर भी देखना है, ठीक है, मिसिंग नंबर भी देखना है, और आपके पास कौन से नंबर मिसिंग है, कौन से नंबर ज्यादा आ रहे हैं, उनको भी कंसिडर करना है। हर चीज को कंसिडर करके चलना है, सिर्फ मोबाइल नंबर का टोटल नहीं, वो तो सिर्फ 10-20% है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, राइट। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो हम इसमें 81 कॉम्बिनेशन, 38 योग हम इसमें पढ़ने वाले हैं, और इनको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक एक योग के बारे में मैं आपको कम से कम 10-12-15 प्रिडिक्शंस बताऊंगी। एक नंबर देख के आप किसी भी व्यक्ति के बारे में पर्टिकुलरली प्रिडिक्शन कर पाओ, राइट। जैसे अगर 3-1 का योग अगर एक्टिवेट होता है किसी के मोबाइल नंबर में, ठीक है, तो 3 नंबर किसका है, गुरु का, ज्ञान का, नॉलेज का, गोल्ड का, है ना। 1 नंबर किसका है, सूर्य का, प्रकाश का, लाइट का, ठीक है। तो 3 और 1 जब मिले तो किस में प्रकाश आएगा, आपके ज्ञान में, आपके एजुकेशन में, आपके नॉलेज में, राइट। सन और जुपिटर का कॉम्बिनेशन, ठीक है, 3 नंबर क्या है, गोल्ड, 1 नंबर क्या है, सूर्य, लाइट। तो सोने पे जब लाइट पड़ती है, गोल्ड देखना लाइट में कितना चमकता है, उसका निखार एक अलग ही आता है, राइट। तो एजुकेशन वालों के लिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, राइट। धर्मात्मा योग भी कहते हैं इसको, ऐसे लोग बहुत धार्मिक होते हैं, ठीक है, और दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे टीचर बनते हैं, ठीक है, एजुकेशन में बहुत अच्छा काम करते हैं, नॉलेज बहुत अच्छा होता है, एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर ज्ञान का है और उसको किसका सपोर्ट मिल गया, सूर्य का, तो ये सूर्य उसको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा और बहुत अच्छे कंसल्टेंट बनते हैं, बहुत अच्छे एडवाइजर बनते हैं, राइट। और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन ऐसे लोगों का होता है। तो ये तो मैंने आपको कुछ ही की चीजें बताई हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम 100 से भी ज्यादा योग जो है हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। अब जैसे अगर 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, 1 और 8, तो 1 नंबर किसका है, सूर्य का, ठीक है, और 8 नंबर किसका है, शनि का। सूर्य और शनि आपस में एंटी हैं, सो दिस इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। 1 नंबर पिता है, 8 नंबर उसका सौतेला पुत्र है, दोनों आपस में बड़े दुश्मन हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन आप मोबाइल में लोगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करेगा। किसको दिक्कत क्रिएट करेगा, पिता को दिक्कत क्रिएट करेगा, ठीक है। ऐसे फादर और सन में डिस्प्यूट होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, रिमोट तक के लिए लड़ लेंगे ऐसे लोग। या फिर ये भी हो सकता है कि पिता से लड़ाई झगड़ा होता हो, या फिर पिता से डिस्टेंस हो, या फिर ये भी हो सकता है कि पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई हो, या फिर हो सकता है पिता बीमार रहते हो, या फिर ऐसा बच्चा कहीं ना कहीं हॉस्टल चला गया हो, पिता के साथ रह ही नहीं पाया हो, ठीक है। तो पिता से दूरी बताता है नंबर, तो इसको हमें अवॉइड करके चलना है। तो इस तरह से हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी में एक एक योग को बहुत डीपली एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे, और आपको मैं अपनी रिसर्च भी शेयर करूंगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, स्पाउस का हेल्थ इश्यूज भी होता है। अब स्पाउस का हेल्थ इश्यूज क्यों होता है, इसका भी मैं आपको एक बड़ा मजेदार लॉजिक देती हूँ, ठीक है। अब बाप बेटे की लड़ाई में हमेशा पत्नी जो होती है वो दुखी होती है, ठीक है, बाप बेटे की लड़ाई में शुक्र मारा जाता है, राइट। तो स्पाउस के हेल्थ इश्यूज, आप देखो एक योग है पर उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है ना। फादर की हेल्थ भी इम्पैक्ट कर सकती है, जैसे कि मैंने बताया फादर को ही प्रॉब्लम होगी इस कॉम्बिनेशन में। हो सकता है पिता की जो इनकम है उस पे भी इम्पैक्ट पड़े, राइट। सरकार से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर क्या है, सरकार भी है, गवर्नमेंट भी है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन मिलने की वजह से सरकार मतलब सूर्य खराब हो रहा है, ठीक है,
तो सरकार से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई कोर्ट केस हो जाए। ठीक है, बहुत टाइम से कोर्ट केस चल रहा है, सॉल्व ही नहीं हो पा रहा। तो आप देख रहे हो कि एक कॉम्बिनेशन आपको कहां से कैसे कहां लेके जा रहा है, ठीक है, और हमें पता ही नहीं चल रहा कि वास्तव में प्रॉब्लम कहां है। तो आप जैसे ही अपने मोबाइल नंबर के जो योग हैं उनको एक्टिवेट या डिसएक्टिवेट करते हो तो आपकी लाइफ ऐसे चेंज होने लगती है, राइट? क्योंकि एक एक योग इतना ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन सब के बारे में हम न्यूमरोलॉजी में, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये इतना, मतलब ये कोर्स ऐसा है, मैं कहती हूँ ये मस्ट ज्वाइन कोर्स है, हर किसी को ये कोर्स करना ही करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा कोर्स नहीं है, बहुत कम टाइम में आप इसको कर सकते हो और बहुत कम टाइम में इतना कुछ सीखोगे ना, जो मैं कहती हूँ आप 6 महीने में किसी और कोर्स में नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मैंने अपनी पूरी जिंदगी का रिसर्च डाल दिया है। आपको पीडीएफ भी देती हूँ, 70 पेजेस की पीडीएफ है सिर्फ मोबाइल न्यूमरोलॉजी की, कहीं नहीं मिलेगी, ट्रस्ट में, ठीक है। मतलब ये कोर्स अगर चूक गए ना आप तो बहुत कुछ चूक गए, इतना मैं कह सकती हूँ। और मेरा कोर्स करने के बाद में अगर आप ये कह दो ना कि मधु जी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, पूरी फीस मैं वापस देने को तैयार हूँ, इतना ब्यूटीफुल कोर्स है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे बेनिफिट हुआ है, मुझे पर्सनली बेनिफिट हुआ है। तो ये दवाई की तरह है, ठीक है, ये मेडिसिन की तरह है, आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली, आपके परिवार, आपका बच्चा, आपका समाज, हर किसी की लाइफ में आप वैल्यू एड ऑन कर सकते हो सिर्फ छोटे से कोर्स से। जा क्या रहा है, कुछ भी तो नहीं जा रहा, ठीक है, कुछ भी तो नहीं जा रहा, 3,500 रुपए कोई बहुत ज्यादा है अपने जीवन के लिए? नहीं। एक योग भी आपने एक्टिवेट कर लिया तो वो आपको हो सकते 30 लाख का फायदा करा दे, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। हम बहुत बार सोचते हैं कि अरे पैसे लगेंगे, पता नहीं क्या होगा। मैं कहती हूँ अपनी स्किल में आप जब इन्वेस्ट करते हो ना, आपको ये नहीं पता कि कहाँ से कितना फायदा होता। तो इस कोर्स को करो और बहुत अच्छे से आपको सीखने को मिलेगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर मेरी है, आपको सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये मैंने एक कॉम्बिनेशन बताया, और भी चलो कुछ कॉम्बिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए रेमेडी क्या है, किसी का 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है तो ऐसे लोगों को ब्राउन डॉग को सेवा करनी चाहिए, ठीक है, ब्राउन कलर के डॉग की सेवा करनी चाहिए इस योग को नलिफाई करने के लिए, ठीक है। मैं आपको सारी इसकी ये भी बताऊंगी, ठीक है, कि योग को कैसे हम डिसएक्टिवेट भी कर सकते हैं, ये भी हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। हाँ, क्या नाम है, संगमत जी। हाँ, मैं, मेरा क्वेश्चन है मैम कि जैसे 1-8 का आपने योग जो बताया है, तो वो एक साथ होने से योग होगा, या मान लीजिए कि नंबर है 10 गो नंबर में, अगर 1 अगर आगे है और 8 अगर पीछे है तो ये योग होगा, मतलब किस तरह से आप बोल रही हैं 1-8 का? मोबाइल न्यूमरोलॉजी में हम ग्रिड बनाते हैं, ठीक है, उस ग्रिड में हम देखते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है, ठीक है। एक साथ अगर मोबाइल नंबर में दिख रहा है तो है ये कॉम्बिनेशन, और अगर मोबाइल नंबर में मान लो आगे पीछे है तो उसको ग्रिड में डाल के देखना पड़ेगा हमें। इसका आपको मैं सिखाती हूँ पूरा कि कैसे प्रेडिक्शन करना है। एक तो होता है कि कुछ नंबर दिख ही रहे हैं आंखों के सामने, वो योग एक्टिवेट हो रहा है। कुछ योग ऐसे होते हैं जो आपको ऐसे दिखेंगे नहीं, वो जब आप सीखोगे ना तभी आपको पता चलेगा कि हाँ ये योग भी है, क्योंकि बहुत सारे हिडन योग हैं। ऐसे तो आप देख के तो 5-6 योग ही पता चल रहे हैं आपको, बाकी योगों का क्या। वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में हम सीखते हैं कि कैसे एक योग निकल रहा है, वो हम उसमें ग्रिड में डाल के देखते हैं और फिर पता चलता है उस ग्रिड की हेल्प से, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू जी जी। हाँ हाँ, मिस्टर सागर आपकी आवाज नहीं आ रही है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आप एक काम करें, आप चैट में लिख दीजिए, आप चैट में लिख दीजिए, आपका नहीं आ रहा है, शायद हो सकता है आपके माइक के साथ में कुछ इश्यू हो, आप चैट में डाल दें। हाउ कैन बी देयर एनी ड्राइवर एंड कंडक्टर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ संदीप जी। मैम वो जो आपने नंबर का बताया, टेलीफोन नंबर का,
उसमें ये क्या जैसे 9643394484 ये पूरा नंबर लेना होता है इसमें? हाँ सर, पूरा नंबर लेना होता है और इसमें डिफरेंट योग देखने होते हैं, वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में मैं सिखाती हूँ आपको। इसमें ग्रिड बनता है, उस ग्रिड कुछ सैंपल तो आप कुछ डेमो ले रही हैं तो कुछ एक आधा सैंपल तो बताए ना कि इस टाइप से हम सिखाएंगे। हाँ सर, वही तो मैंने बताया आपको, ग्रिड का ये कॉम्बिनेशन हम सीखेंगे, 100 से भी ज्यादा कॉम्बिनेशन हम सीखेंगे। अच्छा, और हाँ, ये ट्रायंगल का भी कोई कॉम्बिनेशन होता है? त्रिकोण ट्रायंगल चार नंबर के कॉम्बिनेशन होते हैं। इसमें दृष्टि होती है, युति होती है, जैसे ज्योतिष में हम सीखते हैं ना इसकी दृष्टि उस पे है, तो इसमें हम दृष्टि भी देखते हैं, डिविजनल चार्ट देखते हैं। तो दृष्टि न्यूमरोलॉजी में मैम कैसे देखते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल दो। सर ये तो मैं अभी कैसे एग्जांपल दूं, वो मुझे पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा ना। नहीं वो तो बात ठीक है, आप एक ग्रिड बना के आप बता सकती हैं कि इसकी दृष्टि इसके ऊपर जा रही है या उसकी, एक एग्जांपल तो देखो, वो तो ठीक है हम सीखेंगे, लेकिन अगर आप एक एग्जांपल दोगे हमें कि इस टाइप से हम दृष्टि देखते हैं तो हम क्लास ज्वाइन करने की सोचेंगे। आप ये कहें कि मैंने ये बता दिया। देखिए संदीप, नहीं नहीं मैम, आपके ऊपर है, आपको कोर्स करना है नहीं करना। आप चाहते हैं कि मैं डेमो में सब कुछ सिखा दूं तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें होती है, हमें भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो हम डेमो में क्या देख रहे हैं उसका मेरा अलग कंटेंट है। कोर्स में अगर मैं यही दिखा दूंगी ना तो बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे मैडम ये तो हम डेमो में पढ़ चुके हैं, हमें जरूरत ही नहीं है ज्वाइन करने की, राइट। तो आपको जो मैं डेमो बता रही हूँ, और मैं नहीं समझती कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है, ठीक है। अगर आपको अभी भी मेरी इतनी बात कहने पे भी अगर आपको लगता है कि हमारे लिए वर्थ नहीं है, then it's absolutely fine, right? हाँ किशोर जी, आप अनम्यूट करेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए किशोर जी। हाँ हो गया, तो मैं ये सब सुन तो रहा हूँ, लेकिन इसका थोड़ा लॉजिक ये समझ ये रहा हूँ कि जो चीज अपने साथ में बहुत सी रहती है, जैसे अभी ये मोबाइल फोन है, सेल फोन हम बोलते हैं, वो आपके पॉकेट में हमेशा रहता है, तो उसकी वो लॉजिक है कि उसका नंबर आपको इन्फ्लुएंस करता है, और वो रिजनेबल आर्ग्यूमेंट है और क्या बोलते हैं लॉजिक है। लेकिन वो वॉलेट में दूसरे भी बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस भी होता है हमारा, तो उसका भी एक बड़ा नंबर होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर हमारा होता है इधर पे, अब आपके वहाँ भी आधार कार्ड का नंबर, वो सभी चीज भी आपके साथ में ही घूमती रहती है, आपके पॉकेट वॉलेट में पॉकेट में ही रहती है, तो उनका सब भी सबका भी नंबर आपको इन्फ्लुएंस करता रहा होगा शायद, यू नो। तो इसको ज्यादा बिल्कुल हाँ आपके, देखो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मोबाइल नंबर तो 24 घंटे साथ रहता है, हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस हो पर साथ नहीं हो, आपने घर पे छोड़ा हो, तो क्या उसका नंबर इम्पैक्ट कर रहा है हमें? यस, डेफिनेटली कर रहा है। अब देखिए, जो भी नंबर हमारे साथ में जुड़ गया वो हमें इम्पैक्ट करेगा, जरूरी नहीं कि उसको ले लेके घूमना है। मोबाइल नंबर की एनर्जी तो बहुत हाई है क्योंकि वो है हमारे साथ 24/7, दिन भर कॉल आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं, चैट चल रही है, तो उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई है। उसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, जब हम पैदा होते हैं, एक डेट ऑफ बर्थ लेके पैदा होते हैं, उस डेट ऑफ बर्थ का इम्पैक्ट है, उसके बाद में हम जिस घर में जाते हैं उस घर का एक नंबर होता है, उसका एक इम्पैक्ट होता है, उसके बाद में हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में हमें एक रोल नंबर मिलता है, उसका भी एक इम्पैक्ट होता है, ठीक है। उसमें हमें बैच मिलता है, आप देखोगे जैसे सेक्शन बनाते हैं ना, ए सेक्शन बी सेक्शन, तो ए सेक्शन में सबसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, क्लास में जो सेक्शंस डिवाइड करते हैं ना टीचर, ऐसे डिवाइड करते हैं ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन डी सेक्शन, उसकी भी अपनी एक एनर्जी है। ए क्या है? वन नंबर, ठीक है, सूर्य पावर, हमेशा ऐसे लोग टॉप पे रहते हैं, जो भी ए सेक्शन में होंगे ना बहुत सक्सेसफुल होंगे ऐसे बच्चे, ठीक है, उनकी एनर्जी इम्पैक्ट कर रही है। उसके बाद आपका नाम क्या है, ठीक है, आपके नाम की एनर्जी इम्पैक्ट कर रही है, आपका नाम किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, के किशोर है ना, आप इमोशनल होंगे, राइट, आप इमोशनल है किशोर जी, बहुत बहुत बहुत, आपने मुझे कुछ नहीं बताया, आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई, मैंने आपका नाम देख के बता दिया कि यू आर ए इमोशनल पर्सन, राइट। तो
आपके नाम की स्पेलिंग आपका प्रिडिक्शन कर रही है, मैं नहीं कर रही। शायद मैं आपसे फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट की हूँ और आपने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने आपको देखते ही बोली और इमोशनल पर्सन, राइट? तो हम किसी भी व्यक्ति के बारे में उससे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, मैडम कंसल्टेंसी लेना है। अभी जैसे किसी महानुभव ने पूछा कि आप हमें ये बताओ वो बताओ, तो हम जाके कोर्स करेंगे, मुझे ये सब की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे पास कॉल आते हैं, मैडम प्रिडिक्शन करना है, मैं उसको एक चीज भी बता देती हूँ ना, आपके मोबाइल नंबर में ये है, तो वो पर्सन कहीं नहीं जाता, उसको पता है कि मैं सही जगह पहुंच गया हूँ, ठीक है? तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती कभी भी, ठीक है? तो हम इस साइंस को ऐसे सीखते हैं कि हर नंबर का जुड़ाव है, एटीएम का भी जुड़ाव है, डेबिट कार्ड का भी है, ड्राइविंग लाइसेंस का भी है, आधार कार्ड का भी है। ऑल्दो हम उनको तो चेंज नहीं कर सकते, वो तो सरकार से मिल गए। बैंक का जो अकाउंट नंबर है उसको हम कर सकते हैं। आजकल हमें अपनी चॉइस का अकाउंट नंबर मिल गया, मैंने अभी एक अकाउंट खुलवाया है, ठीक है, वो मेरी चॉइस का अकाउंट नंबर है, ठीक है। मोबाइल नंबर की अगर बात करें तो हमें लगता है हमने मोबाइल नंबर को चूज किया है, बट आपको पता है सच क्या है? ये नंबर हमें चूज करता है, ठीक है। नंबर हमें चूज करते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, हमारे भाग्य के हिसाब से, हमारे कर्मों के हिसाब से। आप कभी भी नोटिस करना, आपका जब अच्छा समय आने वाला होता है ना, आपके पास नंबर भी अच्छे आने लगते हैं, और जब आपका समय बहुत स्ट्रगल वाला चल रहा होता है ना, आपको सारे स्ट्रगल स्ट्रगल वाले नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आप जब नंबरों के वाइब्रेशंस को समझ जाते हो ना, आपको पता है कि मुझे इनकी एनर्जीज को कैसे डाइवर्ट करना। हर नंबर इंपैक्ट कर रहा है, भले आप उसको साथ में लेके नहीं घूम रहे, हो सकते 24/7 डेबिट कार्ड आप नहीं लेके घूम रहे, बट इट्स इम्पैक्टिंग योर एनर्जी, राइट? उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, रोल नंबर का इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके आधार नंबर का इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपने एटीएम पिन का पासवर्ड क्या रखा है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। हो सकता है रोज नहीं यूज करें, ठीक है, बट इट इज इम्पैक्टिंग योर लाइफ, ठीक है, इन एनी वेज। तो इसमें से एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में बढ़ रहा है कि तो ना क्यों ना, क्योंकि सेल फोन भी हम साथ में तो रखते हैं लेकिन नाइट को चार्जर में डाल देते हैं, वो तो जाते हैं तो कहीं दूर पे होता है, साथ में तो नहीं होता है, वॉलेट भी हमेशा साथ में नहीं होता है जब सो जाते, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कहाँ पे, मतलब इट्स अ आइडिया वो कि एक प्लेट पे आपके जो आपके फेवरेबल कोई मतलब जातक के फेवरेबल नंबर निकाल के वो प्लेट पे एंग्रेव करके बोलो इसको पहनो 24/7 इसको पहन के रखो कमरे में, यंत्रा बनाते हैं हम, ठीक है। अच्छा। वो यंत्रास होते हैं जो हम ब्लेसिंग्स ले सकते हैं उन यंत्रा की हेल्प से, और वो यंत्र न्यूमरोलॉजी नंबर से ही बनते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन बहुत सारे हैं सर। एंग्रेव करके वो पहने तो फिर ये दूसरा जो जितने सो मेनी नंबर्स है, सेल फोन नंबर है, हाउस नंबर है, कार्ड लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, ये सब नंबर को साइड में करके यही एक एंग्रेव कार्ड मतलब कुछ मेटालिक लगा ले तो ऐसा हो सकता है, इम्पैक्ट करता है, पर ऐसा नहीं कह सकती मैं कि आपके सारे नंबरों को नेगेटिविटी को छोड़ के वो एक पहनने से आपका वो हो जाएगा, देखो नहीं होगा ऐसा, बट यस उसमें कुछ कुछ नंबरों की आप ब्लेसिंग लेते हो, नंबरों के यंत्रा बनाते हो, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, बट ऐसा नहीं होता, आपको पर्टिकुलरली चीजों को करेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, चलिए अभी ये किसी और का मैसेज आ रहा है कि हम लोग भी हैं। हाँ प्लीज आईफोन, हाँ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आईफोन। हाँ हाँ मैम, वो ऐसा था कि आपको आपने बोला कि जिस जिसके जो क्वेश्चन होंगे मैं बताऊंगी, जब आपने क्लास शुरू करी तो वो जो थे उन्होंने पूछा था खाली दृष्टि का, तो आप बाद में भी दे सकती है, ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी कि आप पढ़ाइए। आपका कुछ क्वेश्चन है मैम तो आप पूछ सकते हैं, आप किसी ने क्या कमेंट किया उस पे मैं डिस्प्यूट नहीं। मैम मैं डॉक्टर नीना मोहित्रा हूँ और हाँ। मैं ये ओकल साइंस से हूँ, 8-10 लोग मैंने आपका अभी अभी संगम जीत वगैरह को हमको अच्छा लगा, धमसेना जी, हम लोगों ने आपस में आपका लिंक ज्वाइन किए हैं। मैडम मैं अप्रिशिएट करती हूँ, इसलिए मैंने आपको
मेरा जो कोर्स है ना वो पता है बहुत लंबा चौड़ा है, सिर्फ इसमें दृष्टि की बात नहीं है, कोई कहेगा हमें डिफरेंस बता दो, कोई कहेगा हमें एस्पेक्ट बता दो, कोई कहेगा हमें कॉम्बिनेशन। मैम मैं तो ये बोल रही हूँ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैम, आप पहले डेमो दीजिए मैम, उसके बाद आप क्वेश्चन राउंड ले लीजिए मैम। हाँ तो अभी तो मेरी बात भी नहीं पूरी हुई, बीच में जो क्वेश्चन आ रहे थे लेना स्टार्ट कर दिया। ओके ओके मैम, अभी तो मैं जो अपना कंटेंट रेडी करके आई थी मैंने तो वो भी नहीं बताया, और जो नहीं रेडी किया उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जी मैम प्लीज कैरी ऑन मैम प्लीज आप। हाँ विनोद भार्गव जी आप प्लीज वीडियो करके बात करें सर। हाँ जी मैम, मैम ये पूछ रहा था मैं, इसमें जैसे हम न्यूमरोलॉजी से मोबाइल न्यूमरोलॉजी से ये भी पता कर सकते हैं कि शादी कब तक किस पीरियड तक होएगी किसी की भी? नहीं सर एग्जैक्टली हम नहीं पता कर सकते, उसके लिए हम डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करते हैं, बट हाँ ये जरूर होता है कि हम शादी के लिए नंबर्स दे सकते हैं उसको, ठीक है कि आप ये नंबर एक्टिवेट करो। यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है मैम तो? हाँ तो हम उसको नंबर देते हैं, किसी की शादी नहीं हो रही ना तो हम पर्टिकुलर नंबर देते हैं कि आप इन नंबरों की ब्लेसिंग लो जिससे आपकी शादी जो है वो जल्दी हो जाए। हम नंबरों को एक्टिवेट करते हैं, डिफरेंट योग को एक्टिवेट करते हैं, हम शादी का योग एक्टिवेट कर देंगे, है ना। तो मैम उसमें जो है टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते, मतलब ये है कहने का? नहीं टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते मैं आपको, देखो ऐसे किसी भी चीज के लिए मिसगाइड नहीं कर सकती कि हाँ हाँ हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते नहीं कर सकते, हर चीज की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है राइट, तो वो हम नहीं कर सकते इसमें इससे हम नेचर, हाँ नेचर के बारे में पता चलेगा, और मोबाइल में क्या अभी उसका टाइम चल रहा है मोबाइल नंबर के हिसाब से वो हम देखते हैं, ठीक है उसकी लाइफ में कितना स्ट्रगल है, क्या चीजें हैं, वो नंबरों के हिसाब से हम उसका डिफरेंट डिफरेंट योग जो है वो हम देखते हैं, ठीक है उसके नेचर के बारे में, उसका कैसे स्वभाव है, ठीक है वो सब हम इसके बारे में देखते हैं। और जो योग के बारे में, हाँ कैरियर के लिए, कैरियर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करियर के बारे में भी देखते हैं, शादी के बारे में, सब चीजों के बारे में बहुत सारे योग है, ठीक है। हाँ मानसी जी, हेलो। हाँ मानसी जी, हाँ जी नमस्ते मैम। नमस्कार। हाँ जी मेरे को ये ऐसे पूछना था कि जो मेरा ये नंबर है इसमें 7 मेनी टाइम है, तो उसमें मतलब ज्यादा इम्पैक्ट आता है क्या नंबर में, मतलब मल्टीपल 7 आते हैं तो? बिल्कुल मल्टीपल 7 आपको कहीं ना कहीं परेशानी देगा मैम, ओवरथिंकिंग देगा, ठीक है कहीं ना कहीं आपके हेल्थ में इम्पैक्ट डालेगा, आपके रिलेशनशिप में इम्पैक्ट डालेगा। रिलेशनशिप में भी आता है मतलब इम्पैक्ट? बिल्कुल आता है मैम, डेफिनेटली आता है। अच्छा मतलब ट्रिपल मतलब 1 भी मैनी टाइम है और 7 भी मतलब नंबर में मैनी टाइम है? 7 नंबर आपको डेफिनेटली देगा, एक नंबर तो चलो फिर भी ठीक है, बट अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर 8 है तो फिर एक नंबर भी आपको दिक्कत करेगा। नहीं ड्राइवर कंडक्टर एक्चुअली मेरा 5 और 6 है तो मैंने एक्चुअली नहीं है, एक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ न्यूमरोलॉजी अभी अभी सीखी है मैंने भी, तो अभी ये मतलब फोन न्यूमरोलॉजी का थोड़ा सा इंटरेस्ट बैठा तो मैंने कहा क्या है इसको भी सीखते हैं। 7 डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा मानसी जी। ओके थैंक यू मैम। जी 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 ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं, है ना। देखो मोबाइल नंबर पूरा का पूरा योग पे बेस्ड है, ठीक है जो एस्पेक्ट की भी मैं बात कर रही हूँ ना, एस्पेक्ट भी योग ही है, एस्पेक्ट में भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है एस्पेक्ट और कुछ नहीं है, एस्पेक्ट भी आपका कॉम्बिनेशन ही है, आप इसको अलग से देखे ही नहीं, क्योंकि एक एस्पेक्ट बताने के लिए मुझे पहले ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट एस्पेक्ट में बता ही नहीं सकते। जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं वो समझते हैं इस चीज को, ठीक है कि जब भी आप ज्योतिष को सीखते हो आपको बेस फाउंडेशन तैयार होनी चाहिए, आप सीधा ज्योतिष पढ़ाते किसी को दृष्टि नहीं बता देते हो कि दृष्टि क्या होती है ना, हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। और मैं क्लास में भी चाहे किसी ने एडमिशन भी ले लिया है ना, वो भी मुझे पूछेगा ना कि मैडम ये एस्पेक्ट बता दो मुझे पहले दिन, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है क्योंकि हर चीज एक स्टेप बाय स्टेप चलती है ना, तब आपके थॉट्स क्लियर होते हैं, नहीं तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में ही रह जाते हो, है ना। तो अभी आगे चलते हैं, कॉम्बो बनते हैं और
मोबाइल न्यूमरोलॉजी पूरा का पूरा सिर्फ कॉम्बिनेशन बेस है, चाहे आप डिविजनल चार्ट ले लो, चाहे आप एस्पेक्ट ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, इसमें कॉम्बिनेशन ही बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है या फिर 2 और 1 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इसमें 1 और 2 इज गुड। ठीक है, इसमें क्या है, लाइफ में ये अप एंड डाउन तो जरूर देगा। ठीक है, और जो 21 नंबर है ये कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस को इंक्रीज करेगा, राइट। 2 और 3 का कॉम्बिनेशन, 2 और 3 में क्या होगा, बहुत सारे लोग इनके पीछे होंगे, मैनी एनिमीज बट कुड नॉट हार्म, दुश्मन बहुत होंगे पर ये हार्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर क्या है, चंद्रमा का, 3 नंबर क्या है, गुरु का, है ना। अब इनके दुश्मन होने का क्या मतलब है, 2 नंबर चंद्रमा ने गुरु की पत्नी तारा से रिलेशनशिप बना के बुध को पैदा किया। ठीक है, तो चंद्रमा क्या है, देवताओं की श्रेणी में आता है, एक पूज्य प्लैनेट है, लोग चंद्रमा की पूजा करते हैं ना, है ना, चंद्रमा की पूजा होती है, राइट। तो चंद्रमा मतलब एक ऐसा काम करने के बावजूद भी उसकी लोग पूजा करते हैं। ठीक है, मतलब उसने ऐसा काम किया उसके बावजूद भी भगवान शिव ने उसने उनको धारण किया। ठीक है, भगवान शिव ने अपनी जटाओं में चंद्रमा को धारण किया, मतलब दुश्मन बहुत होंगे पर कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, मैनी एनिमीज बट कुड नॉट हार्म। तो मैं आपको हर चीज का, हर कॉम्बिनेशन का लॉजिक बताऊंगी, और मोबाइल न्यूमरोलॉजी पूरी की पूरी कॉम्बिनेशन बेस है, चाहे वो डिविजनल चार्ट है, एस्पेक्ट है, चकोर दृष्टि है, ये है वो है, दृष्टि भी बहुत तरह की है। ठीक है, ऐसे लोगों को अपनी संतान से खुशी नहीं होती, खुशी नहीं मिलती, या तो संतान दूर होगी या फिर इतना सक्सेसफुल नहीं होगी या किसी भी तरह से वो संतान से दुखी होंगे। ठीक है, क्योंकि 2 और 3, ठीक है, चंद्रमा ने गुरु की पत्नी से रिलेशन बनाया और बुध को पैदा किया, और जो बुध था वो चंद्रमा को छोड़ के चला गया गुरु के साथ। ठीक है, तो ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं, संतान होती है, वो कहीं ना कहीं दूर चले जाते, है ना, या फिर उनसे खुशी नहीं मिल पाती अगर वो साथ में है तो। तो इस तरह से आपको मैं हर चीज लॉजिक के साथ में इसमें समझाऊंगी। 2 और 4 ऐसे कॉम्बिनेशन, कई लोग इसको बहुत ऑस्पिशियस नंबर मानते हैं, 2 और 4 या 4 और 2। अब देखो, 2 नंबर किसका है, चंद्रमा का, 4 नंबर किसका है, राहु का, 2 नंबर क्या है, रानी, एक सॉफ्ट प्लैनेट, 4 नंबर क्या है, गुंडा। ठीक है, तो इनकी आपस में नहीं बनती, है ना, तो ये एक एंटी नंबर है। ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स, 2 नंबर किसका कारक है, मन का कारक है। ठीक है, और 4 नंबर राहु मिल गया मन के साथ में, तो मन को खराब कर देगा। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, और जब किसी इंसान का मन खराब होता है तो वो किस तरफ दौड़ता है, या तो वो फीमेल की तरफ दौड़ता है, औरतों की तरफ दौड़ता है, प्यार ढूंढता है, या फिर उसको एडिक्शन का शिकार होता है, नशे की लत हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति ड्रग्स की तरफ, ड्रिंकिंग की तरफ, या किसी भी तरह की लत हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो ड्रिंक हो या फिर ड्रग्स हो, किसी भी तरह की लत हो सकती है। ठीक है, और मैरिड लाइफ में भी ये नंबर इशू क्रिएट करता है, और ऐसे लोगों को हार्ट डिजीज भी हो सकती है, क्योंकि 2 नंबर के जो कारक तत्व है वो इसमें खराब हो रहे हैं। ठीक है, 4 नंबर जिस भी प्लैनेट के साथ में मिलता है उसके कारक तत्व को खराब कर देता है, राहु का काम ही बिगाड़ना है, जिस भी नंबर के साथ में मिलेगा उसको खराब कर देगा। 2 के साथ में मिला, मन खराब कर दिया। ठीक है, 2 नंबर के सारे कारक तत्व को खराब, 2 नंबर अपना हार्ट भी है, हमारा दिल भी है, तो हार्ट की डिजीज भी दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको हर नंबर के लॉजिक के साथ में पढ़ाऊंगी, जिससे आप जिंदगी में कॉम्बिनेशन भूल नहीं पाओगे, नहीं तो क्या 100 से भी ज्यादा कॉम्बिनेशन है, इसको रट के याद रखना तो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो जब आपको लॉजिक मिलेंगे ना, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, और आप इस पे ट्रस्ट भी कर पाओगे कि हाँ लॉजिक सही बैठा है। ठीक है, और दूसरी चीज, इसके आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, है ना।
भक्ति जी ने क्या मैसेज किया? हाँ आरती जी, बिल्कुल नंबर आपको इम्पैक्ट करते हैं और मोबाइल नंबर चेंज, मैं कह रही हूँ ना, मैंने अपना एग्जांपल बताया, मैंने अपने मोबाइल नंबर को एक एक दिन में एक्टिवेट होते देखा है, मतलब एक एक दिन में एक्टिवेट होते देखा है। आपको सालों वेट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आपके कुछ ही दिनों में आपका नंबर एक्टिवेट हो जाएगा, उसको बस यूज करो, फोन कॉल्स करो, आपका नया नंबर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, और आपको वो इम्पैक्ट देना भी स्टार्ट कर देगा। फोटो का इम्पैक्ट अच्छा नहीं है अरुणा जी, यही तो मैंने एक्सप्लेन किया अभी आपको। हाँ किशोर जी जी, एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो ये मेरे दिमाग में अभी हो रहा है कि ये जो न्यूमरोलॉजी का जो हम प्रेडिक्शन करते हैं, तो और फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी करते हैं प्रेडिक्शन और केपी से भी करते हैं, तो ये सभी का रिजल्ट सेम आ जाएगा क्या? क्या अलग आ जाएगा? नहीं, न्यूमरोलॉजी में हम थोड़ा डिफरेंट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो न्यूमरोलॉजी के प्रेडिक्शन से एक जो रिजल्ट आएगा वो शायद वो केपी से या वैदिक से डिफरेंट हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, आपको मैं रिलेट करके भी बताऊंगी, कुंडली के साथ भी रिलेट करके बताऊंगी कि कैसे काम करते है ना। अच्छा, क्योंकि बहुत बहुत से साइंस हो गए, तो अभी हम भी थोड़े कंफ्यूज हो गए कि कौन सा साइंस पकड़ना है, यू नो, क्योंकि ये प्रेडिक्शन का जो जो साइंस जो नए 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 आइटम्स निकल रहे हैं, अच्छी बात। जो साइंस है ना, ये क्या है, ऐसी साइंस है जो व्यक्ति कम समय में अच्छा रिजल्ट ले सकता है, हमें रिजल्ट से मतलब है ना, प्रेडिक्शन करके हमें क्या लेना देना, ठीक है, प्रेडिक्शन करके हमें क्या लेना, प्रेडिक्शन तो चलो कर लेंगे, पर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है ना, ये पूरा का पूरा रेमेडियल कोर्स है, समझ रहे हो, पूरा का पूरा रेमेडियल कोर्स है, प्रेडिक्शन अच्छा। तो सीखेंगे साथ साथ में, आप इनको एज ए रेमेडी यूज कर सकते हो, राइट, ओके, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशंस है ये हमें इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर बात करें 2 and 5 की, 2 and 5, ठीक है, ऐसे लोगों के हाथ में शफा होती है। हाथ में शफा का मतलब किसी को फूक मार के भी कुछ दे देंगे ना तो उसका सफल हो जाएगा काम, ठीक है। तो हाथ में शफा कुदरत की देन होती है। अब ये कैसे होती है, आप कहोगे कि इसका क्या लॉजिक है, इसका लॉजिक मैं ये बताती हूँ कि 2 नंबर क्या है, चंद्रमा का, ठीक है, 5 नंबर क्या है, बुध का। मैंने अभी भी बताया कि चंद्रमा ने बुध को उत्पन्न किया है ना, हमारे जो माइथोलॉजी के हिसाब से मैं बता रही हूँ, तो चंद्रमा ने बुध को उत्पन्न किया गुरु की पत्नी से रिलेशनशिप बनाने के बाद, ठीक है। तो अब जो भी बच्चा होता है वो अपनी माता से तो कुछ ना कुछ ग्रहण करता ही है ना, ठीक है। तो बुध ने अपनी माता से, चंद्रमा के पास क्या है, जितना भी तंत्र मंत्र औषधि ये सब किसके पास है, चंद्रमा के पास। तो बुध के पास अपनी माता से ये तंत्र विद्या आ गई, उससे शफा मिल गई, उसको अच्छा ब्लेसिंग मिल गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को हाथ में शफा देता है। ये अच्छा डॉक्टर बनता है तो भी वो दूसरों को बहुत जल्दी हील कर सकता है, कुछ भी मंत्र फूंक के दे देगा ना तो काम कर जाएगा। आपने देखा होगा बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि आपके घर के आसपास कोई बाबा जी होते हैं, कोई फीमेल होती है, कोई कुछ भी होता है, आप उनसे झाड़ा लगवाते हो तो ठीक हो जाते हो, है ना, उनके पास कोई विद्या नहीं है, वो उनके हाथ में शफा है, राइट। तो ऐसे लोगों के हाथ में भी एक शफा होती है, एक गुण होता है, ठीक है, जिसकी ब्लेसिंग लेके आप इस योग को एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर कुछ लोगों के तो ऑलरेडी योग एक्टिवेट है, तो उसको हम कैसे प्रिडिक्ट करना है ये हम देखते हैं, राइट। अब देखो एक योग मैं आपको और बताती हूँ, ठीक है, अब देखो 2 और 6 नंबर, 2 क्या है, चंद्रमा, हमारा मन है ना, 6 नंबर क्या है, शुक्र, वीनस, 2 नंबर सास भी है, 6 नंबर क्या है, बहू,
तो जिनका भी ये योग मिलता है, अगर ये योग फीमेल में है तो ऐसी फीमेल का अपनी मदर इन लॉ से डिस्टेंस होता है, ठीक है, अपनी मदर इन लॉ से कहीं ना कहीं डिस्टेंस होता है, या फिर एक घर में रहने के बावजूद भी इनकी नहीं बनती है ना। उसके बाद में ऐसे अगर योग अगर किसी मेल के पास में है, किसी मेल के मोबाइल नंबर में ये योग है या फिर डेट ऑफ बर्थ में है, तो ऐसा व्यक्ति किसके पीछे भागेगा? शुक्र के पीछे, मतलब फीमेल के पीछे। छह नंबर शुक्र भी है और छह नंबर पैसा भी है। सो दिस काइंड ऑफ पर्सन रन आफ्टर मनी एंड फीमेल्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैं हर योग के बारे में डिटेल में बताऊंगी, राइट। तो आपको कैसा लगा आज का जो सेशन है, आप लोगों ने कैसे क्या इस नंबर को रखना चाहिए? हाँ नहीं, देखो लास्ट में जो 222 बहुत बार आ रहा है ना, ये ठीक नहीं है, है ना। लास्ट में 2222 इतनी बार ठीक नहीं। हाँ जी जी सर। मैडम 216 एंटी है क्या? 216 एंटी नंबर है। 216 216 26 एंटी है। हाँ 26 एंटी है, बिल्कुल। हाँ 26 इज एंटी। हाँ जी सर। मैम एक चीज बोल रहा हूँ मैं कि आपने जो नंबर हमको बताया, नंबर जो बताया मैम, तो वो नंबर को हम लोग क्या चेंज करना पड़ेगा? और क्या फिर उसकी अगर वो नंबर मोबाइल में हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट हम लोग उस पर नहीं आए, वो रेमेडीज हम लोग को करनी पड़ेगी? हाँ वो रेमेडी भी मैं आपको बताऊंगी और नंबर चेंज कर सकते हैं उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। मतलब नंबर चेंज करना जरूरी है? अगर मान ली रेमेडीज अगर करते हैं तो नंबर चेंज नहीं करें, क्योंकि ऐसे नंबर तो बहुत करोगे ना, रेमेडी करोगे तो उसका रेमेडी का इम्पैक्ट देखो, ठीक है, फिर उस हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। इसमें भी हमें ट्राई करना पड़ेगा ना थोड़े दिन। और दूसरा मैम कि मान लीजिए कि ठीक है मोबाइल नंबर अगर हम लोग चेंज करते हैं, लेकिन बाकी जो हम लोग के नंबर है जैसे डेबिट कार्ड नंबर है मैम, आधार कार्ड के नंबर है, वो नंबर तो हम लोग साथ में मैम चलेंगे, तो फिर कैसे होगा? फिर उनका भी सॉल्यूशन बताऊंगे। आधार का तो सॉल्यूशन नहीं है, पर आपका डेबिट कार्ड अकाउंट नंबर उनका सॉल्यूशन बताऊंगी। हाँ मतलब बाकी और भी नंबर है मैम, अदर मोबाइल नंबर छोड़ के बता रहा हूँ, और बाकी नंबर तो हम लोग कैरी करते हैं। देखो वो तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहता ही है, पर हम जब दूसरे नंबरों की वाइब्रेशन एक्टिवेट करते हैं ना, अब देखो मान लीजिए एक छोटी लाइन है, ठीक है, मतलब एक लाइन है, उसको छोटा करने तो क्या करेंगे, उसको काटेंगे नहीं, उसके बराबर में बड़ी लाइन हम खड़ी कर देंगे, वो लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन ऐसा रखेंगे कि उनका इम्पैक्ट हम पे इतना पड़ेगा ही नहीं, राइट। मतलब कुछ रिमेडीज करेंगे मैम अदर के लिए, यही है ना। हाँ, और अपना मोबाइल नंबर जो चेंज करें, अगर मान ली 666 अगर लास्ट में है मैम, तो वो भी क्या प्रॉब्लम करेगा लास्ट में 666? वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखेंगे ना किसको देना है किसको नहीं देना। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ में जैसे ड्राइवर कंडक्टर को हम लोग देखना पड़ेगा? नहीं, सबको देखना पड़ेगा सर, क्योंकि किस नंबर की पावर कितनी देनी है वो भी तो देखेंगे, है ना। जो ऑलरेडी पावरफुल है उसको और पावर देके क्या करेंगे। लिंग मैम 666 आपके लिए, आपके हिसाब से क्या है मैम, ये 666 क्या बेड है, खराब है? नहीं सिक्स नहीं, खराब तो देखिए, खराब वैसे माना जाए तो कोई भी नंबर नहीं है, है ना। हर नंबर की पॉजिटिव वाइब्रेशन भी है और हर नंबर की नेगेटिव वाइब्रेशन भी है। यस मैम। तो किसके लिए कौन, किसी के लिए एक नंबर बहुत एंटी है और किसी के लिए एक नंबर बहुत अच्छा है। यस मैम। हाँ तो ये हमें देखना है किस नंबर की पावर कितनी बढ़ानी है, किसकी कम करनी है, किसका ऑलरेडी मल्टीपल में आ रहा है, किसकी किस चीज की कमी है, ठीक है। अगर मिसिंग नंबर 6 है किसी के ग्रेड में तो लास्ट में 666 ले सकता है वो व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैंने की ग्रेड देख के हम लोग उसका नंबर को पता कर सकते हैं मैम, ग्रेड में जो नंबर है। अगर आप ऐसे आंखें बंद करके अधूरा ज्ञान लेके अगर आप कर रहे हो ना, तो हो सकता है अर्थ का अनर्थ कर बैठते, तो फिर लाइफ जैसी चल रही है उसको वैसे चलने दो। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हो किसी भी चीज में स्टॉप नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके मैम। तो हमारा सेशन कल भी होगा,
आज हमारा एक घंटे का सेशन था, अभी पौने दो ज्यादा टाइम हो चुका है, मैं एक दो लोगों के क्वेश्चंस ले लेती हूँ, तो कल भी होगा हमारा सेशन, तो आप लोग कल आ सकते हैं। टाइमिंग कितने बजे मैम? सेम टाइम 6:30। ओके ठीक है मैम। हाँ संतोष जी। हाँ मैडम, 50 सीरीज का क्या होगा अगर मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर मेरे सब एडिशन किया तो 50 आता, 50। सर मैंने आपको यही तो बताया ना संतोष जी कि सिर्फ टोटल नंबर का कोई मतलब नहीं है, 50 अच्छा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके कॉम्बिनेशंस भी तो देखेंगे ना, कॉम्बिनेशन भी तो देखेंगे। आपके पास हो सकता है 5 नंबर की ब्लेसिंग की जरूरत ही नहीं हो, आप उसको और बढ़ा रहे हो, है ना? तो कौन सा नंबर आपके लिए अच्छा है वो आपके चार्ट के हिसाब से देखेंगे, अगर चार्ट नहीं है तो फिर हम दूसरे हिसाब से देखेंगे, ऐसे कोई भी नंबर हम नहीं। बाकी यहाँ 5 नंबर अच्छा है, 5 नंबर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको नेगेटिव तो नहीं देगा, पर उसके कॉम्बिनेशन क्या है वो भी हमें देखना होगा। Okay, जी जी। हाँ रीना जी। हाँ रीना जी प्लीज बोले। हाँ सरला जी। मैम मेरे लिए तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा है। 1818 जो है मेरे बेटे का बर्थ है, और आपको पता है श्रीमान की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो आज मुझे क्वेश्चन मिल गया और आंसर भी मिल गया। हाँ जी मैम, और पता भी चल गया, और साथ में मैं ये पूछना चाह रही थी कि ब्राउन डॉग को मैं भी फीड करा सकती हूँ? आपका 1-8 का कॉम्बिनेशन है? नहीं नहीं, मतलब बेटे का है ना, वो तो उधर नहीं करा सकता ना। नहीं नहीं, वो उसी को ही करना पड़ेगा, खाना आप खाओगे उसका पेट कैसे भरेगा? नहीं भरेगा, है ना, उसको खाना खिलाओ। मैं वो ऐसी आप जगह तो क्लास में बात करेंगे, आपने तो एनरोलमेंट करवा लिया है, ठीक है। हाँ रश्मि जी। मैम मुझे ये पूछना था कि कोर्स कब से स्टार्ट होने वाला है, मेन कोर्स पेड वाला? मैम 23rd से मोस्ट प्रोबेबली। कितने दिन का कोर्स है मैम? मिनिमम 6 डेज का है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है मैम, ये मैं भी नहीं कह सकती। ओके मैम, इनका टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग 6:30। ओके, यानी 2 घंटे का रहेगा क्लास डेली? मैम डिपेंड करेगा कितना सेशन कितना चल रहा है, क्योंकि जब तक सबके क्वेश्चन आंसर खत्म नहीं होते तो सेशन चलता ही रहता है, ठीक है? अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग तो मिलेंगे ना, तो अगर अपना मिस भी मिलेगी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे, किसी चीज की चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है? ओके, एंड सपोर्ट मिलेगा फिर बाद में, सपोज अभी हम लोग, मैं भी कैसे थोड़ा ट्रैवलिंग ही करने वाली हूँ उसके बाद। आप चिंता नहीं करें रश्मि जी, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लाइफ टाइम के लिए रहता है, मैं भी अवेलेबल रहती हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ओके थैंक यू मैम। हाँ जी जी। इस कोर्स का जो फीस है ये है 3333, ठीक है, 3333, और ये पूरा प्रेडिक्टिव एडवांस कोर्स है, ये बेसिक लेवल का कोर्स नहीं है, ये कोई टाइम पास कोर्स नहीं है, ये फुल फ्लेज कोर्स है, ठीक है? इस बार मैंने फीस काफी कम रखी है, मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े, आप लोगों को इसका बहुत फायदा हो, इतना तो मैं सिर्फ प्रेडिक्शन का ले लेती हूँ, इस बार मैंने फीस है बहुत कम रखी है, तो आप लोग ज्वाइन करें और आप इसका बेनिफिट उठाएं, और अपनी जो भी फैमिली है उसको भी आप हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर एक इतना इम्पोर्टेंट नंबर है आजकल के टाइम में। आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीख के अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, अपना व्हीकल नंबर, आपकी जो फैमिली के जो नंबर हैं, आपके पासवर्ड सब कुछ करेक्ट कर लोगे, आप सारे योग एक्टिवेट कर लोगे, ठीक है? तो इसको जरूर करें। हमारे साथ दिनेश कुमार जी हैं, मेरे पुराने स्टूडेंट, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। दिनेश जी नमस्कार। मैं आपका इतना अच्छा लगता, मैं जितने भी वेबिनार है सबके अंदर ज्वाइन करता हूँ, आप भी देखते होंगे, अब लोग भी देख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास टाइम नहीं था, फिर भी मैंने छुट्टी करके वेबिनार ज्वाइन करने के लिए की कोशिश करी है। मैं आप मुझे जो मैम खाली ये पूछना, क्या टाइमिंग चेंज हो सकती है? 6:30 बजे आपने जो टाइम रखा है, मैं ऑफिस से आते आते मुझे 8 बज जाता है, तो मेरी मिसिंग हो जाएगी। तो दिनेश जी आपने तो कर लिया, आप क्यों कर रहे हो दोबारा? ये तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी है ना मैम, न्यूमरोलॉजी क्या, मैंने बेसिक न्यूमरोलॉजी किया है, मोबाइल में और अच्छी ज्ञान बढ़ाने के लिए, अच्छी नॉलेज बढ़ाने के लिए, कुछ ना कुछ सीखने के लिए है मैम।
जी 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 कोई नहीं देखते हैं अभी तो टाइमिंग कोई टाइमिंग चेंज हो 7:30 या 8:30 या 9:30 किसी को दिक्कत ना हो और आपको भी ना हो ये खाली जस्ट रिक्वेस्ट करिए मैंने बहुत सारे लोग होंगे जो ऑफिस से आने में उनको 6:30 बजे थोड़ा डिले हो जाएगा मैं हाँ चलो मैं देखती हूँ कोशिश करती हूँ अगर मैं लेट कर सकी मैं हर वेबिनार आपका ज्वाइन करता हूँ सीखा हुआ मेरा है लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलता है बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी आप लोगों की कृपा है थैंक यू मैम आप लोगों के बिना भी हम लोग अधूरे हैं हाँ अमित जी गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग मैम पीरियोडिक नंबर्स भी सिखाने वाली क्या क्या कह रहे हैं पीरियोडिक नंबर पीरियोडिक नंबर्स कैसे निकालने मोबाइल न्यूमरोलॉजी में पीरियोडिक नंबर वो कौन से नंबर होते हैं सर उसमें से ही मैंने ऐसा देखा था यूट्यूब पर इसलिए मैंने पूछा था मुझे भी मालूम नहीं है देखिए मैं बात कहती हूँ आप लोग बुरा मत मानिएगा आजकल यूट्यूब बहुत गुमराह कर रहा है वो एक ही चीज को कुछ भी बोलेगा ठीक है उस पे आप इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते आप किसी रिलायबल व्यक्ति के साथ जुड़े जो आपको वास्तव में गाइड कर सके मैं खुद भी खा लेती हूँ कि ये क्या बोल रहा है ये यूट्यूब क्या बोल रहा है हाँ जी ठीक है तो उस पे इतना ऑथेंटिक कंटेंट नहीं होता है ना ओके 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 जी 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 तो मैडम एक क्वेश्चन था ये 23 तारीख से शुरू होने वाला है ना हाँ जी हाँ जी हाँ तो टाइमिंग 4:30 बजे है दूसरा नहीं क्या टाइमिंग सर 6:30 बजे अभी वही कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं तो थोड़ा लेट कर हाँ रात का थोड़ा किया तो चलेंगे कैसे कुछ काम रहते हैं नहीं तो फिर कोशिश करती हूँ डेफिनेटली ठीक है ओके तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे मैम मैंने वो पढ़ा है सब फिर भी एक बार पूछना था हाँ देखो इसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी में कंप्लीट आपके कॉम्बिनेशन आपको मैं बताऊंगी भी ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कोर्स कंटेंट ओके 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 नहीं मैम वो कॉम्बिनेशन का मैंने मालूम है लेकिन वो ट्रिपल कॉम्बिनेशन का भी कुछ रहता है ना शायद सारे बताएंगे सर एक का दो के साथ तीन के साथ चतुर्मुखी योग चार के साथ सारे कॉम्बिनेशन ओके चिंता नहीं करें सब कुछ कवर करेंगे हम इसमें ओके ठीक है और आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी टिप्स पे कैलकुलेशन होगी आप ट्रेन में भी जा रहे हैं ना कॉपी पेन भी नहीं है तो भी आप ऐसे देख के बना लोगे ओके ओके हाँ इतना तो मैम मैंने कॉल किया था तो नोट्स इंग्लिश में मिलेंगे ना सर नोट्स इंग्लिश में है बिल्कुल और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैं उसका हिंदी में भी प्रोवाइड करा सकूं क्योंकि काफी लोग हिंदी वाले भी है तो मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी में किया तो अच्छा रहेगा मैम कैसा मैं कोशिश करती हूँ उसको ट्रांसलेट हो जाता है आजकल तो मैं देखूंगी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना टोटल भी आ जाएंगे अच्छे से सीख लोगे कि आपको चिंता करने की बात ही नहीं है मैम कल भी है ना शायद वेबिनार कल भी है ना थैंक यू जी 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 हाँ श्यामलता जी मैं मेरा मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल देती हूँ इट्स 9610363666 तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं ठीक है हाँ जी जी मैम पे कहाँ करना है पेमेंट का कोई इसमें नहीं है ग्रुप में मैम उसमें दे रखा है बाकी मैंने मेरा नंबर शेयर किया है आप इसी पे ही पे कर सकते ठीक है मैम फिर 6:30 से लेट हमें नहीं हो सकता बाकी उसके बाद दूसरा क्लासेस ज्वाइन कर रखा है हाँ हाँ आप लोग ना मैं आपको देखिए एक और बात बताती हूँ आप लोग इस चीज की बिल्कुल चिंता नहीं करें अगर आपका क्लास भी मिस होता है ना तो रिकॉर्डिंग में इतना परफेक्ट तरीके से आप सीखोगे मेरे अभी अभी 5 स्टूडेंट ने एनरोल कराया है जो लाइव क्लास में आ ही नहीं रहे वो कह रहे कि मैडम हमें सिर्फ रिकॉर्डिंग ही सुनना है हमारे पास टाइम ही नहीं आने का लेकिन डाउट अगर डाउट्स आए तो लाइव में पूछ सकते हैं ना नहीं डाउट आए तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं ठीक है आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं आपको कोई दिक्कत है तो आप कॉल भी कर सकते हैं ऐसा कोई इश्यू नहीं है और मैं वेबिनार एक्स्ट्रा भी रखूंगी एडिशनल अगर आप लोगों का जिनका क्लास मिस हो गया है उनके लिए कॉमन टाइम रख लेंगे जिनके डाउट्स रह गए हैं वो बाद में पूछ सकते हैं जो क्लास में आ ही नहीं पाए तो चिंता नहीं करें मतलब मैं सपोर्ट प्रोवाइड कराती हूँ कि मेरे साथ जो भी इंसान जुड़ा है उसको भटकना नहीं पड़े वो परेशान नहीं हो है ना तो ग्रुप में रहता है हमेशा 6 डेज जितना कंटेंट है क्या
इतना बड़ा कंटेंट की बात कर रहे हो, मेरा जो पीपीटी है वो 100 से ज्यादा 125 पेजेस का पीपीटी है जो मैं पढ़ाऊंगी, और जो नोट्स दे रही हूँ 70 पेजेस के नोट्स हैं। तो मैं वही तो कह रही हूँ, कोर्स बहुत बड़ा है और फीस मैंने वास्तव में बहुत कम रखी है। नेक्स्ट टाइम इससे ऑलमोस्ट डबल हो गया फीस, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो मैं डिलीवर कर रही हूँ ना कंटेंट, वो बहुत ज्यादा है, अपने आप में बहुत बड़ा कोर्स है। इस कोर्स को मैं 1 महीने में भी पढ़ा सकती हूँ, इतना बड़ा कोर्स है ये। कोई सॉफ्टवेयर ये सब नहीं होता है ना इसमें? सॉफ्टवेयर भी दूंगी मैं आपको। अच्छा अच्छा ठीक है ना, सॉफ्टवेयर भी दूंगी, सर्टिफिकेट भी दूंगी, रिकॉर्डिंग भी दूंगी, आपको बहुत कुछ मिलेगा, चिंता नहीं करें, जो जरूरत है वो भी दूंगी मैं। ठीक है मैम, थैंक यू। जी जी हाँ, भावना जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आई वुड लाइक टू गिव अ स्मॉल सजेशन इन रिगार्ड्स टू टाइम, होप यू डोंट माइंड, कि आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे पोल करा दे, यू नो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल फॉर द टाइम, इट वुड बी बेटर लाइक अकॉर्डिंग टू यू, विच सूट्स यू आल्सो एंड ऑल अदर्स। सो इफ यू गेट अ पोल यू कैन गेट द एक्यूरेसी ऑफ व्हाट टाइम इज मोस्ट सुटेबल टू ऑल। जी जी भावना जी, थैंक यू फॉर योर सजेशंस, मैं बिल्कुल करूंगी। पर एक्चुअली क्या होता है ना, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग रहती है ना, तो मैं बहुत निश्चिंत रहती हूँ। मुझे पता है जो स्टूडेंट है ना वो रिकॉर्डिंग पढ़ के बहुत अच्छा। समटाइम्स सॉरी टू इंटरप्ट, बट समटाइम्स इट सो हैपेंस कि जो लाइव पे हम जो उसको ग्रहण कर सकते हैं, वो रिकॉर्डिंग में कभी कभी इतना क्लैरिटी और इजी नहीं रहता है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई पर्सनली डोंट लाइक यू नो टू गो थ्रू रिकॉर्डिंग्स टू लर्न। लाइफ का जो एनर्जी और इंटरेक्शन होता है वो अलग ही होता है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई नहीं, मैं कोशिश करूंगी। अपने आप लोग ग्रुप में तो हैं, डेमो वाले ग्रुप में है ना, तो उसमें हम देख लेंगे पोल करके। और दूसरा पूछना था कि सारे क्लासेस लाइव जूम पर ही होंगे, राइट? हाँ डेफिनेटली सब जूम पे, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं। ओके थैंक यू। हाँ थैंक यू फॉर यस यस यस, सारा सेशन हमारा इंटरेक्टिव होगा, कहीं पे भी कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। जब तक आपके क्वेश्चन चलेंगे तब तक सेशन चलेगा। मेरे सेशन में ऐसा कभी नहीं होता कि किसी का क्वेश्चन रह गया और मैंने क्लास ऑफ कर दी। जब स्टूडेंट बोलते हैं ना कि मैडम अब चलते हैं, अब हम हो गया, देन आई लीव। ठीक है, मुझे टाइम का कोई इशू नहीं है, क्लास 1.5 घंटा चले, 2 चले, 2.5 चले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोगों के सारे क्वेश्चन लेती हूँ मैं। ठीक है, अभी भी देखो 1 घंटे का वेबिनार था, 1.5 घंटा हो गया, बट आप लोगों के क्वेश्चन है तो मेरा ना मन नहीं करता, मुझे लगता है कि नहीं आप लोगों का रिप्लाई मिलना चाहिए, है ना। हाँ जी रीना जी, ऑल्दो मेरा 8 बजे दूसरा क्लास भी है। हाँ रीना जी प्लीज बताएं, हम कल मिलेंगे, डोंट वरी, जिनका कुछ रह गया ना कल बात करेंगे। मैम अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ बिल्कुल बताए। नमस्ते मैम। नमस्कार। ये पूछना था न्यूमरोलॉजी से हम क्या क्या प्रेडिक्शन कर पाते हैं? मैम बहुत कुछ है, मैंने बताया है आज की क्लास में कि हम बहुत सारे योग, ठीक है, शादी का, अफेयर का, लव मैरिज का, दो मैरिज का, हेल्थ का, बहुत सारी चीजों के बारे में हम यही तो सीखेंगे, सारे योग सीखेंगे। जैसे इवेंट जो हो गए है उसमें शायद किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है, बट जो होने वाला है हाँ, तो लाइक पहले ही उनको आगाह कर दे हम, या फिर ऐसे कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है, यही तो होता है ना, मोबाइल नंबर देख के हम बोल सकते हैं कि आपको हार्ट डिजीज हो सकती है, आप नंबर चेंज करो। ठीक है, आपको डायबिटीज हो सकती है, आप चेंज करो। कैंसर तक के योग हम इसमें देखते हैं मैडम, कैंसर तक के। ठीक है, हाँ। पूरा कोर्स कंटेंट मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मेरा नेट का इश्यू हो रहा था तो मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। करेंगे और आज का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। ठीक मिलेगा ना मैम, और जो भी आपका कोर्स कंटेंट है वो आप पूरा डिटेल में शेयर करने वाले हैं अभी? हाँ मैं कर दूंगी, ग्रुप में कर दूंगी, आप जिन जिन ग्रुप्स में हैं उनमें शेयर कर। या मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू रीना जी। हाँ लास्ट लेती हूँ अशोक जी का, बाकी मैं बात कर चुकी हूँ। हाँ अशोक जी प्लीज। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैडम जी, अभी आप बता रहे थे जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर इसी प्राइस में होगा? नहीं प्राइस नहीं है सर, वो ये इसी में इंक्लूडेड है, अलग से कुछ पे नहीं करना। अच्छा, वो सॉफ्टवेयर में क्या होता है मैडम प्लीज थोड़ा सा? सॉफ्टवेयर से हम कैलकुलेशन करते हैं, वो कैलकुलेशन के लिए होता है सॉफ्टवेयर। अच्छा, उसका डेमो मिल जाएगा? सर वो मेरी तरफ से फ्री गिफ्ट है, उसका डेमो दे के मेरे को क्या फायदा है, मैं कोई पैसा तो ले नहीं रही, वो दो चाहे नहीं दो फीस तो इतना ही है।
तो मैं उसका डेमो देना तो कोई वो नहीं समझती, क्योंकि मैं कुछ पे आपसे खरीद नहीं, आपको दे नहीं रही ना, कुछ बेच नहीं रही, वो तो मेरी तरफ से गिफ्ट है, उपहार है आप लोगों के लिए एडिशनल। ठीक 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 जी जी जी, चलिए थैंक यू मैडम जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए आज मिलते हैं, एंड अगर मैंने किसी के क्वेश्चन ना लिया हो, कुछ आंसर नहीं किया हो, तो आई एम रियली सॉरी, टाइम की लिमिटेशन है, आई होप आप लोग समझते हैं। तो हम लोग मिलेंगे कल, कल हमारा सेशन होगा, ठीक है। किसी का कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9610363666, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा, एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग। कल हम कुछ लाइव एग्जांपल्स लेंगे, कुछ मोबाइल नंबर्स लेंगे, जिसपे मैं आपको थोड़ा बहुत प्रेडिक्शंस बताऊं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, कल मिलते हैं, शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर।